हमारा ये प्रयास है कि रेबीज से कोई भी ह्यूमन डेथ ना हो, और साथ ही साथ जो हमारे एनिमल पॉपुलेशन है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, पेट्स हैं और अदर्स जो इससे अफेक्टेड होते हैं, उनको भी हम लोग वैक्सीनेट करके इस डेडली डिजीज़ से बचाएं। तो आज जैसा कि आपने देखा, विभाग में बहुत उत्साह है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक हम इस पर पूर्णतः काबू कर लेंगे, उसके लिए एक वर्क प्लान बनाया जा रहा है और हम सब काम कर रहे हैं। 17वां वर्ल्ड रेबीज डे है, तो इस तनाजुर में टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेबीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, हमारे यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है, जो जम्मू एंड कश्मीर वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन मुनक्कद करा रही है। इसमें हमारे चीफ गेस्ट थे राजीव राव भटनागर जी, जो एडवाइज़र हैं ऑनरेबल एलजी के, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, सेक्रेटरी थी। तो हमने पहला टेक्निकल सेशन यहाँ पे किया, जहाँ पे हमने बहुत सारे रिसर्चर्स को बुलाया था अपने डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने डिस्कशंस किए रिगार्डिंग दिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये रेबीज़ है क्या, कैसे हम इसे बच सकते हैं। तो आपके माध्यम से भी मैं सब लोगों को ये इल्तिमास करना चाहता हूँ, जितने भी पेट्स हैं उनको वैक्सीनेट कराएं। हमारा ये प्रयास है कि रेबीज से कोई भी ह्यूमन डेथ ना हो, और साथ ही साथ जो हमारे एनिमल पॉपुलेशन है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, पेट्स हैं और अदर्स जो इससे अफेक्टेड होते हैं, उनको भी हम लोग वैक्सीनेट करके इस डेडली डिजीज़ से बचाएं। तो आज जैसा कि आपने देखा, विभाग में बहुत उत्साह है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक हम इस पर पूर्णतः काबू कर लेंगे, उसके लिए एक वर्क प्लान बनाया जा रहा है और हम सब काम कर रहे हैं। 17वां वर्ल्ड रेबीज डे है, तो इस तनाजुर में टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेबीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, हमारे यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है, जो जम्मू एंड कश्मीर वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन मुनक्कद करा रही है। इसमें हमारे चीफ गेस्ट थे राजीव राव भटनागर जी, जो एडवाइज़र हैं ऑनरेबल एलजी के, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, सेक्रेटरी थी। तो हमने पहला टेक्निकल सेशन यहाँ पे किया, जहाँ पे हमने बहुत सारे रिसर्चर्स को बुलाया था अपने डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने डिस्कशंस किए रिगार्डिंग दिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये रेबीज़ है क्या, कैसे हम इसे बच सकते हैं। तो आपके माध्यम से भी मैं सब लोगों को ये इल्तिमास करना चाहता हूँ, जितने भी पेट्स हैं उनको वैक्सीनेट कराएं।